हेलो अंतरिक्ष प्रेमियों, क्या आपने कभी एक अंतरिक्ष यान पर सवार होकर सितारों के बीच से गुजरते हुए दूर के ग्रहों और आकाश गंगाओं को खोजने का सपना देखा है? कैसा हो अगर मैं आपसे कहूं कि वहां एक रहस्यमय शक्तिशाली शक्ति है जो इसे हकीकत बना सकती है। आज हम प्लाज्मा ऊर्जा में गोता लगाने जा रहे हैं और पता करेंगे कि कैसे यह इंटरस्टेलर यात्रा के लिए अमूल्य हो सकती है। तो अपने स्पेस सूट पहन ले और आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो प्लाज्मा वास्तव में है क्या? जब हम पदार्थ की बात करते हैं तो हम आम तौर पर तीन मूल अवस्थाओं की बात करते हैं, ठोस, तरल और गैस। लेकिन वास्तव में एक चौथी अवस्था भी होती है, प्लाज्मा। यह पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें परमाणु इतने ऊर्जावान हो जाते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन टूटकर बाहर निकल जाते हैं, जिससे एक चार्ज कणों का सूप बन जाता है। प्लाज्मा हमारे चारों ओर है, भले ही आप इसे महसूस न करें। क्या आपने कभी तूफान के दौरान बिजली को देखा है? वह प्लाज्मा है। सूर्य, यह मूल रूप से एक विशाल प्लाज्मा की गेंद है और अंतरिक्ष में यह हर जगह है। इसे अंतरिक्ष की अपनी अनुभूति समझिए। अंतरिक्ष में प्लाज्मा क्यों महत्वपूर्ण है? तो सवाल यह है कि जब हम सपना अंतरिक्ष यात्रा का देख रहे हैं तो हम बात प्लाज्मा के बारे में क्यों कर रहे हैं? देखिए, अंतरिक्ष में प्लाज्मा सिर्फ एक चमकदार दृश्य नहीं है, यह ब्रह्मांड में सबसे सामान्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है। और दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक सोचते हैं कि हम इसकी ऊर्जा का उपयोग अंतरिक्ष यानों को चलाने के लिए कर सकते हैं। प्लाज्मा अंतरिक्ष में सौर हवाओं और ब्रह्मांडीय किरणों के रूप में बहता है और यह अद्भुत तेजी से चलता है। अगर हम इस ऊर्जा का दोहन कर सकें तो हम पारंपरिक रॉकेट से कहीं अधिक तेजी से और कहीं अधिक दूर तक यात्रा कर सकते हैं। वर्तमान अंतरिक्ष यात्रा की समस्या। तो आज हम एक अंतरिक्ष सभ्यता बनने से क्यों चूक रहे हैं? क्योंकि हमारे वर्तमान प्रोपल्शन के तरीके थोड़े धीमे हैं। रॉकेट्स रासायनिक प्रोपल्शन का उपयोग करते हैं, यानी वे हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा ईंधन जलाते हैं। लेकिन ईंधन भारी होता है और अंतरिक्ष बहुत बड़ा है। मान लीजिए कि आप सबसे निकटतम तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी की यात्रा करना चाहते हैं, जो लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारी वर्तमान तकनीक के साथ वहां पहुंचने में हमें हजारों साल लगेंगे, और किसके पास इतना समय है ना? यही प्लाज्मा हमारी मदद करने आता है। प्लाज्मा प्रोपल्शन सिस्टम्स वह बदलाव हो सकते हैं जो इंटरस्टेलर यात्रा को संभव बनाएंगे। एक बहुत ही आशाजनक तकनीक को वसीमर इंजन कहा जाता है, या अगर आप अपने दोस्तों को प्रभावित करना चाहते हैं तो इसका पूरा नाम है वेरिएबल स्पेसिफिक इंपल्स मैग्नेटोप्लाज्मा रॉकेट। यह रॉकेट केमिकल रिएक्शन की बजाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का उपयोग करके प्लाज्मा को गर्म करता है और उसे बहुत तेज गति से बाहर निकालता है। परिणाम, बहुत अधिक गति और बहुत कम ईंधन का उपयोग। प्लाज्मा रॉकेट संभावित रूप से मंगल तक पहुंचने के समय को 6 महीने से घटाकर सिर्फ 39 दिनों तक कर सकते हैं। सोचिए, मंगल पर छुट्टी मनाकर वापस आ जाना और अपने अगले सेमेस्टर या काम की समय सीमा के लिए समय पर तैयार होना। प्लाज्मा और फ्यूजन ऊर्जा। प्लाज्मा एक और अद्भुत अवधारणा के केंद्र में भी है, फ्यूजन ऊर्जा। फ्यूजन वही प्रक्रिया है जो हमारे सूर्य को शक्ति प्रदान करती है। इसमें परमाणु नाभिकों को आपस में मिलाकर भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अगर हम फ्यूजन का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के लिए कर सकें तो यह एक मिनी सूर्य जैसा होगा जो अंतरिक्ष यानों को शक्ति प्रदान करेगा। फ्यूजन ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा का अमृत माना जाता है। यह भरपूर प्रभावी है और कोई गंदा कचरा नहीं छोड़ती, जैसा कि न्यूक्लियर फिशन करता है। कल्पना कीजिए, एक अंतरिक्ष यान जो प्लाज्मा को ऊर्जा में बदलकर अपने वॉर्प ड्राइव को चला रहा है। अंतरिक्ष के आयाम में यह एक रेस कार को पूरी शक्ति से चलाने जैसा होगा। प्लाज्मा ऊर्जा की चुनौतियाँ। जैसे किसी भी नई ऊर्जा अवधारणा के साथ होता है, प्लाज्मा ऊर्जा में भी कुछ चुनौतियाँ हैं। अगर यह इतना आसान होता तो हम अब तक आकाश गंगा की यात्रा कर रहे होते, है ना? सबसे बड़ी चुनौती प्लाज्मा को नियंत्रित करना है। यह बहुत गर्म और अत्यधिक गति से चलता है। वैज्ञानिक इसे नियंत्रित करने के लिए शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं, लेकिन एक स्थिर और प्रभावी प्लाज्मा इंजन बनाना अभी भी एक चुनौती है। साथ ही ऊर्जा की समस्या भी है। प्लाज्मा का निर्माण और उसे बनाए रखने में बहुत सारी ऊर्जा चाहिए और हमारी मौजूदा तकनीक अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची है।
लेकिन जो प्रगति हो रही है वह उत्साहजनक है और इसकी संभावनाएं विशाल हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसे शुरुआती कंप्यूटर पूरे कमरे भर लेते थे, लेकिन आज हम कहाँ हैं? अपनी जेब में रखे एक उपकरण पर अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। हाल के विकास और भविष्य की उम्मीदें। हाल के वर्षों में हमने कुछ रोमांचक विकास देखे हैं। नासा ने वसीमर इंजन जैसे प्लाज्मा प्रोपल्शन सिस्टम्स का परीक्षण किया है और निजी कंपनियां फ्यूजन अनुसंधान में भारी निवेश कर रही हैं। परियोजनाएं जैसे कि ITER, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन प्रयोग है, हमें फ्यूजन ऊर्जा के रहस्यों को खोलने के करीब ले जा रही हैं। और हालांकि हम एक पूर्ण विकसित स्टारशिप बनाने से अभी भी काफी दूर हैं, ये प्रगति हमें तेज और अधिक कुशल अंतरिक्ष जांच विकसित करने में मदद कर सकती है। इन्हें हमारे भविष्य की इंटरस्टेलर यात्रा के लिए शुरुआती कदमों के रूप में सोचिए। इंटरस्टेलर यात्रा मानवता के लिए क्या मायने रख सकती है? चलिए कल्पना करते हैं कि हमने वास्तव में प्लाज्मा प्रोपल्शन और फ्यूजन ऊर्जा का रहस्य सुलझा लिया है। इसका हमारी प्रजाति के लिए क्या मतलब होगा? सबसे पहले यह पूरी तरह से बदल देगा कि हम ब्रह्मांड का अन्वेषण कैसे करते हैं। हमारे सौर मंडल की सीमाओं तक रोबोटिक जांच भेजने के बजाय हम मानव दल को एक्सोप्लैनेट्स की खोज के लिए भेज सकते हैं, जहां हम एलियन जीवन के संकेत खोजने की कोशिश करेंगे। साथ ही मल्टीप्लैनेटरी प्रजाति बनने का पूरा विचार भी है। तेज अंतरिक्ष यानों के साथ मंगल केवल एक वैज्ञानिक मिशन नहीं रह जाएगा, यह हमारा दूसरा घर भी हो सकता है। और अगर हम अपने सौर मंडल से परे पहुंच जाते हैं तो कौन जाने, हमें दूर के सितारों के चारों ओर परिक्रमा करते रहने योग्य ग्रह भी मिल सकते हैं। यह सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, यह सपनों और संभावनाओं की बात है। यह उस समय की बात है जब मानवता अपने पहले कदम ब्रह्मांड की विस्तृत दुनिया में रखेगी। प्लाज्मा ऊर्जा उन दरवाजों को खोलने की कुंजी हो सकती है। क्या यह हमारी जिंदगी में संभव होगा? अब सवाल यह है कि क्या हम अपने जीवन काल में प्लाज्मा पावर्ड अंतरिक्ष यानों को देख पाएंगे? शायद अभी नहीं, लेकिन हम कुछ बुनियादी कदम देख सकते हैं। मंगल तक तेज यात्रा, डीप स्पेस प्रोब्स का उपयोग और यहाँ तक कि फ्यूजन रिएक्टर्स जो हमारे घरों को ऊर्जा देंगे। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ विज्ञान कथा धीरे धीरे विज्ञान का सत्य बन रही है और यह सोचने में काफी रोमांचक है। इंटरस्टेलर यात्रा का सपना अभी कुछ दशकों दूर हो सकता है, लेकिन उस यात्रा का हिस्सा हम सभी बन सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या प्लाज्मा ऊर्जा अंतरिक्ष में हमारे भविष्य का टिकट हो सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में साझा करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले रोमांचक स्पेस वीडियो से न चुकें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमेशा ऊपर देखते रहिए। ब्रह्मांड एक विशाल जगह है और कौन जानता है कि प्लाज्मा ऊर्जा हमें कहां ले जाएगी।